हमने जुलाई मंथ में जामुन के बीज की पौध तैयार की थी, और उसके बाद हमने जामुन जो घर पर आते हैं वही जामुन हमने खाने के बाद उनको अच्छे तरीके से धो लिया था पहले, और फिर हमने उनको थोड़ा सा हवा में सुखाया बीजों को, और फिर मिट्टी में बो दिया था। छोटी छोटी ये पॉट्स में लेकर आई थी, और इन पॉट्स में ये पौध तैयार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इनमें फिर हमने बीज बो दिए थे, क्योंकि बीज कई बार मर भी जाते हैं, तो हमने हर पॉट में दो दो बीज डाल दिए थे कि देखते हैं क्या होता है। कई बार पौध बीज ग्रो भी नहीं करता है, सड़ जाता है। और उसके बाद हमने इनको 3 से 3.5 महीने तक रखा अपने पास, तो ये पौध तैयार हो गई। उसके बाद हमारे पास, सभी के पास कम्युनिटी पार्क्स होते हैं, और आसपास हमारा जो हमारे तो कैंपस में ही है पार्क, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर जगह खाली है, तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी कि मैं इन्हें लगवाऊँ, और आज हमने इन पौधों को पार्क में लगवा दिया है। और कुछ सैपलिंग्स मैंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस में भी रेडी किए थे, जो हमारे पास कई बार घर में इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरीके से हम प्लास्टिक को रीयूज़ करते हैं, तो आप भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और पर्यावरण को हम इस तरीके से मदद कर सकते हैं। कई बार हम रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, जो हमारे घर के आसपास के एरिया होते हैं, और वहाँ जगह खाली होती है, और कभी कभी हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यहाँ पर कोई पौधा होना चाहिए था। तो मुझे लगता है हमें वेट नहीं करना चाहिए, अगर हमारे अंदर टैलेंट है, कुछ लोगों का शौक़ होता है बागवानी का, हम अपने घर में पौधा तैयार करके वहाँ पर प्लांट कर सकते हैं। आई होप मेरा ये सजेशन आपको पसंद आया हो, और थैंक यू सो मच।